बहुत ज़्यादा टाइम पास कॉलेज में करने के बाद याद आया कि हैजा नया कैंटीन भी खुला है अपने कॉलेज में, और ये कॉलेज की कैंटीन की ओर बढ़ते हुए मैंने धीरे धीरे बढ़ रही थी ताकि मैं मेन्यू देख सकूँ, पर अचानक से मुझे देखा है ये नेपाली मोमो, मुझे ट्राई करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने बस एक पानी का बॉटल ही ख़रीदा क्योंकि मुझे भूख नहीं था और मैं घर से खा के आई थी। जब तक देख सकते कुछ लड़कियाँ यहाँ गप्पे शप्पे मार रही और यहाँ पर एक ऐड भी हो रहा है, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा पानी पी के अपने गले को गीला कर लूँ तक खुद को कैमरे में देख भी लूँगी। और इसके बाद ये क्लासरूम में बैठी हुई आप देख सकते हैं पूरा क्लासरूम खाली और मैं सिर्फ अकेली, मैं ही बस पढ़ाकू बच्चा हूँ और बड़े से बोझ के साथ जी रही हूँ। फिर अचानक से मैं बोली चलो बाहर भाई, फिर देखा कि यहाँ पर ठंड है और सही है पटना में बहुत ज़्यादा ठंड है, और मैं कॉमर्स कॉलेज में पढ़ती हूँ जो राजेंद्र नगर के अपोजिट में है। जो लोग पटना के उनको पता होगा ये एंट्रेंस है। एंड अब चल चली हमारी सवारी, कहाँ आपको पता है, रुको अभी बताती हूँ। तो देर बाद चलने के बाद ध्यान आया अरे यहाँ तो कॉमन रूम भी है गर्ल्स के लिए जहाँ आप बैठ सकते हो। फिर मुझे लगा वहीं मुझे बैठना चाहिए क्योंकि क्लासरूम में मैं बहुत बोर हो रही थी। फिर चलते चलते मैंने देखा कि क्लासरूम लगता है इधर है, और हाँ जी बिल्कुल ऊपर में ही है वो गर्ल्स कॉमन रूम जहाँ मुझे बैठना चाहिए, जहाँ मैं क्लासरूम में बैठ कर टाइम पास कर रही थी और अपनी वीडियोज़ भी बना सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।